नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन शेयर्स के बारे में जो सबसे ज़्यादा बोनस शेयर्स देते हैं। तो आपको जो टॉप बोनस शेयर देने वाले हैं 12 शेयर्स, उसके बारे में बताएंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से होगा। दोस्तों हम आपको बोनस शेयर्स के बारे में इसलिए बता रहे हैं, जो बोनस शेयर है स्टॉक स्प्लिट आपके नंबर ऑफ शेयर्स को काफ़ी मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको काफ़ी फायदे होते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं बोनस शेयर देने से क्या फ़ायदा, शेयर का प्राइस तो उसी रेशियो में कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको यह समझना पड़ेगा कि जो अगर डिमांड उस शेयर का बना रहता है, स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाता है, तो डिमांड बना रहा, सप्लाई अधिक हो गया, अधिक सप्लाई होगा, डिमांड भी अधिक है, शेयर का प्राइस फिर से ऊपर चला जाएगा। तो आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स है अगर 10 टाइम्स हो जाता है, तो आपके एक रुपया प्राइस बढ़ने से आपका 10 रुपया प्राइस बढ़ेगा। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, एक रुपया शेयर का प्राइस जाएगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 रुपया से बढ़ेगा। तो दोस्तों ये बोनस शेयर का जो मैजिक है, आगे के वीडियो में हम कैलकुलेट करके आपको आएंगे कि बोनस शेयर किस तरह से मैजिकल रूप से कार्य करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे चैनल पर आते हैं, वो पैनी शेयर्स के बारे में पूछते हैं। पैनी शेयर में 40,000 लगा देता है, कोई लाख लाख रुपए लगा देता है। दोस्तों अगर आपको पैनी शेयर में ही रिस्क लेना है तो आप ऑप्शन में ट्रेड करिए। मैं भी ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ। एक दिन में रुपया 10 गुना होता है और एक दिन में पूरा का पूरा रुपया साफ भी हो जाता है। तो दोस्तों इतना ही रिस्क लेना है तो आप ऑप्शन में ले सकते हैं। तो पैनी शेयर्स बताते हैं, उन पैनी शेयर्स में लेना है जो कि लो प्राइस पे अच्छे पैनी शेयर्स हैं। तुक्का भी किसी किसी में लग जाता है, तुक्का में भी काफ़ी रिटर्न देते हैं, लेकिन उसी में तुक्का लगेगा जिस कंपनी में ग्रोथ हो, कुछ ना कुछ ग्रोथ बाकी हो, या कुछ ऐसा न्यूज आने वाला हो कि कंपनी के जो कि फेवर में जाता हो, तब आपका वहाँ प्रॉफिट होगा। जैसे तैसे रिस्क लेने से पैनी शेयर में आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो लगातार वीडियो देखते हैं तो निश्चित है कि आप शेयर मार्केट को सीख पाए होंगे। हम काफ़ी दिनों से शेयर मार्केट में, मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, आप ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, तो एक दिन में आपका रुपया जो काफ़ी मतलब 10 गुना भी हो सकता है और सारा का सारा रुपया एक दिन में आपका साफ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये है शेयर मार्केट। तो अपना रिस्क जानिए, रिस्क मैनेजमेंट को जानिए, अपना कैपिटल क्या है उसके अनुसार रिस्क क्या लेना है, इन सब बातों को जानना है। तो चलिए बोनस शेयर के बारे में, ये काफ़ी मैजिकल है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर आपको अच्छा खासा रिटर्न क्रिएट करके देता है बोनस शेयर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहला शेयर है इन्फोसिस। सबसे ज़्यादा बोनस शेयर अभी जो देता है फिलहाल टाइम में वो इन्फोसिस है। सबसे ज़्यादा अभी पूरे स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में जो दिया है वो है विप्रो और सिप्ला, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा बोनस शेयर दे रहा है वो है हमारा इन्फोसिस। तो इन्फोसिस देख सकते हैं आप, 2004 में दिया है, 6 में दिया है, 14 में दिया है, 15 में दिया, 2018 में दिया है। अब व्यू मोड पर क्लिक करके आप जो है और सारा देख सकते हैं। ये 1995 में भी दिया था, 99 में भी दिया था, तो काफी बार 8 बार बोनस शेयर ये दे चुका है। दोस्तों साथ ही साथ एक बार स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, ये भी आपके लिए बोनस शेयर के जैसा ही काम करता है। मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए समझिए स्टॉक स्प्लिट भी बोनस के जैसा ही काम करता है, मतलब इसमें भी आपका नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो दोस्तों पहला है बोनस शेयर सबसे जो ज्यादा अभी दे रहा है वो इन्फोसिस। जब भी इन्फोसिस आपको नीचे के प्राइस पर मिलता है, हर गिरावट पे जरूर बाय करें। अभी करंट प्राइस है 1159 रुपीज, 1160 रुपये के आसपास है दोस्तों। तो ये शेयर प्राइस जो है 500 हुआ करता था जब पैंडमिक के कारण गिरावट आया, तो अगर आप उस समय बाय करते तो अभी अच्छा खासा रिटर्न आपको प्राप्त होता। साथ ही साथ डिविडेंड भी इन्फोसिस काफ़ी ज़बरदस्त देता है, 4% डिविडेंड यील्ड है, तो FD के इतना रिटर्न भी देता है आपको डिविडेंड के रूप में। साथ ही साथ आपको इसमें बोनस शेयर और ग्रोथ जो है दोनों मिलता है। तो ऐसे बेस्ट शेयर में जरूर इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप जो पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें स्टॉप लॉस क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए GTT ऑर्डर का फैसिलिटी जीरोधा देता है, तो जीरोधा में जरूर अकाउंट ओपन करें। इंडिया का नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस है। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जीरोधा नंबर 1 ब्रोकरेज है, जीरोधा में आप अपना अकाउंट जरूर ओपन करें। साथ साथ अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा मार्जिन जो देता है एंजल ब्रोकिंग अभी देता है। आप हेजिंग में 5 से 6 रुपया में ऑप्शन का एक लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों इतना ज़्यादा मार्जिन देता है एंजल ब्रोकिंग अभी भी हेजिंग में। तो दूसरा जो हमारा सबसे ज़्यादा मतलब विप्रो है वो देता है बोनस शेयर। अगर स्टॉक
आखिर हिस्ट्री की बात करें, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है बोनस शेयर में, वो है विप्रो। दोस्तों विप्रो एक ऐसा शेयर है जिसमें अगर 100 रुपया भी आप लगा दिए रहते तो आपका रिटर्न एक मैजिकल रिटर्न होता। दोस्तों 100 रुपया आपका 1 करोड़ रुपया होता अगर 100 रुपया भी आप 1980 में लगाए होते, तो इतना मैजिकल रिटर्न है विप्रो। विप्रो की बात करें तो देख सकते हैं अभी भी यह हाल फिलहाल में भी अच्छा बोनस शेयर दे रहा है। 19 में दिया है, 17 में दिया है, 10 में दिया है, 2005 में दिया है, मतलब हाल फिलहाल के दिनों में भी अच्छा खासा बोनस शेयर दे रहा है। तो इन्फोसिस के बाद विप्रो भी अभी करेंट टाइम में दूसरे नंबर पर है जो कि बोनस शेयर इन्वेस्टर को दे रहा है। तो विप्रो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो गिरावट आया था पैंडमिक के कारण, तो ये शेयर फिर सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा था, मात्र 180 रुपीज़ पर ये स्टॉक मिल रहा था। और अभी आप देखेंगे करेंट मार्केट प्राइस तो काफ़ी हाई हो चुका है, देख सकते हैं 356 रुपीज़। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक जब भी गिरावट में मिले जरूर बाय करें। यहाँ पर आप देख लीजिए 52 वीक रेंज 159 रुपीज़, मतलब 160 रुपीज़ पर यह मिल रहा था, इतना सस्ता स्टॉक था। और अच्छा खासा डिविडेंड भी ये भी स्टॉक पे करता है, लेकिन इन्फोसिस कितना पे नहीं करता, थोड़ा बहुत मतलब डिविडेंड ये भी आपको हर साल देता है, लेकिन काफ़ी मतलब छोटे प्राइस का स्टॉक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आप काफ़ी ज़्यादा बाय करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारा फार्मा सेक्टर से सिप्ला, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और अच्छा खासा बोनस शेयर पे करता है अपने इन्वेस्टर को। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जो सिप्ला है करंट मार्केट प्राइस है वो आप देखते हैं कि 783 रुपीज़, और ये भी स्टॉक जो है काफ़ी नीचे के प्राइस पर मिला करता था। यहाँ पर देखते हैं 355 रुपीज़, मतलब 400 से भी नीचे ये स्टॉक मिला करता था, अभी 800 के पास पहुंच चुका है। ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अपने इन्वेस्टर को मालामाल किया है बोनस से। बोनस का मैजिक क्या होता है इसको जानने के लिए आगे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें, तो बोनस के मैजिक को हम कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे कि बोनस कितना मैजिकल होता है। जो विप्रो है अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो रिटर्न आपको मात्र 1000% का दिखेगा, लेकिन जब बोनस को कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिटर्न देखिएगा कई लाख परसेंट का होगा। तो ये होता है बोनस शेयर। यहाँ पर आप देख लीजिए जो सिप्ला है वो आपको पे किया है 6 में 2006 में 99 में 94 92, तो ये भी अच्छा खासा बोनस शेयर पे किया है। उसके बाद 2004 में देखते हैं स्टॉक स्प्लिट हुआ है सीधे 10 रुपया फेस वैल्यू से 2 रुपया में, मतलब 5 टाइम्स शेयर को कर दिया, तो ये भी अच्छा खासा शेयर है। और इधर फार्मा सेक्टर काफ़ी सालों से मतलब पिछले 5 सालों से अंडर परफॉर्म था, इसलिए आपको फार्मा सेक्टर में काफ़ी कम जो है इधर आपको बोनस शेयर मिला होगा, तो उसके बदले अब आपको फार्मा सेक्टर में बोनस शेयर देखने मिलेगा। जैसा कि इस साल कई फार्मा कंपनियों ने बोनस शेयर दिया, स्टॉक स्प्लिट किया, अब आपको फार्मा सेक्टर कई कंपनियों में बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट दे मिलेगा। अगला है हमारा एफएमसीजी सेक्टर से एक बेहतरीन स्टॉक, वो है डाबर इंडिया। इसका करेंट प्राइस है 511 रुपीज़। ये भी स्टॉक मैंने कई बार बात किया था जब ये 400 के आसपास के रेंज में ट्रेड कर रहा था, उसमें चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर ये समझिए कि इवर ग्रीन सेक्टर है, इसमें आपको कॉन्स्टेंट ग्रोथ मिलेगा, कभी भी ज़्यादा गिरावट नहीं देखने मिलेगा। पैंडमिक में भी इस स्टॉक में कुछ खास गिरावट नहीं था। जो एफएमसीजी सेक्टर एचयूएल हो गया आपका, डाबर हो गया, मैरिको हो गया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया, कोलगेट हो गया, ये सब अच्छे शेयर हैं जिसमें पैंडमिक का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम हर सिचुएशन में यूज करने वाले हैं, हर समय यूज करने वाले हैं। और इसमें बोनस की बात करें 10 में दिया है, 6 में दिया है, 5 में दिया है, 1993 में दिया है, तो देख सकते हैं स्टॉक स्प्लिट हुआ है 2000 ईस्वी में, और इधर कुछ सालों से ये भी स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है, ना तो बोनस दिया है, तो अब आपको इसमें बोनस शेयर देखने मिलेगा। और हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छा है, इसका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है बोनस शेयर देने का, तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है ये भी डाबर इंडिया। उसके बाद हमारा अगला है सीमेंट सेक्टर से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से हम आपके लिए स्टॉक लेकर आए हैं जो कि आपको अच्छा खासा बोनस शेयर देने हैं। रामको सीमेंट, दोस्तों रामको सीमेंट काफ़ी अच्छा शेयर है जो कि बोनस शेयर देने के मामले में। अभी इसका करेंट प्राइस देख लीजिए 840 रुपीज़ है, और इसमें अगर हम बात करें बोनस शेयर देने का, तो ये आप देख लीजिए बोनस शेयर कब दिया है, 2008 में दिया है, 94 में दिया, 92 में दिया है। सबसे बड़ी बात है इसका स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट इसका काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है, इसका जो स्टॉक स्प्लिट है वो काफ़ी ज़बरदस्त, देखते हैं 10 रुपया फेस वैल्यू से 1 रुपया, 10 गुना आपने मतलब शेयर को कर दिया अपने शेयर को कब, 2008 में, फिर 10 गुना किया था कब, 2003 में, मतलब पिछले 20 सालों आप देखिएगा तो अपने शेयर को ये जो है यहाँ पर देख लीजिए 100 गुना तो स्टॉक स्प्लिट से ही कर दिया, मतलब 2000 ईस्वी से बात करें, फिर यहाँ बोनस भी दिया, मतलब 200 गुना 20 साल में 200 गुना कर दिया अपने नंबर ऑफ शेयर्स को इस कंपनी ने। इसके बाद जो अगला कंपनी है, फिर मैं एक डिफरेंट सेक्टर से एक स्टॉक लाया हूँ, वो है बियर इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री से एक बेहतरीन स्टॉक जो कि बोनस शेयर काफ़ी देने में अच्छा है, साथ साथ ये सारे जो स्टॉक है सब में
आपको ग्रोथ भी देखने मिलेगा और सारे के सारे ब्लू चिप कंपनी है। ब्लू चिप कंपनी मतलब जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए और भूल जाइए, सिर्फ कंपनी के बिजनेस पे ध्यान रखिए और मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट अच्छा हो, कंपनी का बिजनेस में कोई भी डिफॉल्ट नहीं आना चाहिए, फिर आप जो है लॉन्ग टर्म में 5 इयर्स 10 इयर्स में अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त करेंगे। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो इसका वैल्यूएशन अभी देख लीजिए, करंट प्राइस है 764 रुपीज। और इसका बोनस की बात करें तो देख लीजिए कंपनी कब कब बोनस दिया है, 2019 में, 15 में, 2020 में, स्टॉक स्प्लिट कब हुआ है 2013 में, मतलब ये करेंट टाइम में अच्छा खासा बोनस देने वाला है। और इसमें भी जो आपका ग्रोथ होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब एकदम कंसिस्टेंट ग्रोथ वाली ये सारी कंपनियां हैं, क्योंकि इसके प्रोडक्ट हर सीजन में हर जगह बिकने वाले हैं। तो ऐसे स्टॉक में आपको गिरावट में हमेशा इन्वेस्ट करना है। रिलैक्सो को मैंने जब 570 रुपीज़ था उसी समय रिकमेंड किया था कि आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है जो आपको 5 इयर्स 10 इयर्स में एक मल्टीबैगर रिटर्न क्रिएट करके देगा। अगला फिर एक डिफरेंट सेक्टर से है कैस्ट्रॉल इंडिया, देख सकते हैं आप कैस्ट्रॉल इंडिया, ये भी एक बेहतरीन शेयर है। अभी करंट प्राइस है 127 रुपीज़। इस शेयर के बारे में भी मैंने बताया था कि बोनस शेयर देने में बहुत ही मतलब उस्ताद कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा बोनस शेयर देता है अपने इन्वेस्टर को। देख लीजिए इसका रिकॉर्ड बोनस शेयर का, 17 में 12 में 10 में 99 में 95 में। दोस्तों स्टॉक स्प्लिट भी का यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, स्टॉक स्प्लिट होना अभी बाकी है, मतलब अभी अच्छा खासा 5 रुपीज़ इसका फेस वैल्यू है, 5 रुपीज़ मतलब 5 टाइम्स ये स्टॉक स्प्लिट से कर सकता है। साथ ही साथ बोनस देखते हैं कांस्टेंट रूप से दे रहा है। तो कैस्ट्रॉल इंडिया भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है और काफ़ी अच्छा शेयर है जो कि बोनस शेयर लगातार अपने इन्वेस्टर को देता है। अगला है हमारा मदरसन सोमी, करंट प्राइस है 158। जब ये 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ का स्टॉक हुआ करता था उस समय मैंने आपको बताया था कि आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा ये वेल्थ क्रिएट करके आपको देगा, क्योंकि ज़बरदस्त बोनस शेयर देने वाली कंपनी है। 2018 में 2017 में 2015 में 2013 में 2012 में देख सकते हैं सारा का सारा बोनस शेयर हाल फिलहाल के समय में दिया है इस स्टॉक ने। साथ ही साथ स्टॉक स्प्लिट हुआ है, देखते हैं 2002 में 2004 में, फेस वैल्यू 10 से 5 में, फिर 5 से 1 में। तो ऐसे बेहतरीन शेयर में जरूर इन्वेस्ट करें। और साथ साथ अगले वीडियो हम बताएंगे कितना किस कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस मनी है जो जिसके कारण वो आपको बोनस एक्ट करके दे सकती है, क्योंकि बोनस शेयर वही कंपनी देती है जिसके पास बैलेंस शीट में अच्छा खासा रिजर्व और सरप्लस मनी हो। उसके बाद अगला है हमारा SCL टेक्नोलॉजी, आपने विप्रो देखा, इंफोसिस देखा, साथ ही साथ आईटी सेक्टर कई कंपनियां हैं जो बेहतरीन बोनस शेयर देती है, तो SCL टेक्नोलॉजी भी उसमें से एक है। तो SCL टेक्नोलॉजी अभी करंट प्राइस है 879 रुपीज़। और नीचे आते हैं तो नीचे आपको ज़बरदस्त इसमें बोनस शेयर और ग्रोथ देखने मिलेगा, मतलब बोनस शेयर काफ़ी दिया है अपने इन्वेस्टर को, रेगुलर इंटरवल पर दिया है। यहाँ पर देख लीजिए बोनस शेयर, तो बोनस शेयर यहाँ आपको देखने मिलेगा 2019 में 2015 में 2007 में, देख सकते हैं सारे हाल फिलहाल के समय में। साथ साथ स्टॉक स्प्लिट 2000 में ₹4 फेस वैल्यू से ₹2 फेस वैल्यू। आपने देख लिया SCL टेक्नोलॉजी भी अच्छा खासा स्टॉक है जो कि आपको अभी हाल फिलहाल के समय में अच्छा खासा बोनस शेयर दे रहा है। साथ ही साथ एक ज़बरदस्त कंपनी की बोनस शेयर देने मामले में किसी से कम नहीं है, वो है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अलग अलग सेक्टर के सारे स्टॉक है, आईटी सेक्टर से कुछ ज़्यादा कंपनियाँ हैं क्योंकि आईटी सेक्टर की कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा बोनस शेयर पे करती है। और ये स्टॉक देख लीजिए कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया, इस करंट प्राइस है 408 रुपीज़। अगर हम बोनस शेयर की बात करें तो ज़बरदस्त बोनस शेयर देने वाली कंपनी है, 2018 में बोनस शेयर, 17 में, 13 में, 8 में, सारे के सारे बोनस शेयर हाल फिलहाल के समय में दी है इस कंपनी ने। साथ साथ स्टॉक स्प्लिट भी 2018 में फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 5 में। तो दोस्तों इतना ज़बरदस्त है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बोनस शेयर देने के मामले में, तो ऐसे स्टॉक में ज़रूर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। उसके बाद एक और जबरदस्त स्टॉक है जो कि बोनस शेयर देने के मामले में अभी हाल फिलहाल के समय में काफी आगे है, और ये आईटी सेक्टर की सबसे लीडिंग कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। और मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे लीडर कंपनियां तो वो आपने जान ही गया कौन सी कंपनी है, वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। और इसका करंट प्राइस है 2838 रुपीज़। जबरदस्त कंपनी है। और इसकी बात करें हम कि कब कब ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, कब कब मतलब बोनस शेयर दिया है, तो इसके मामले में ये कंपनी भी काफ़ी ज़बरदस्त है।
और चलिए आपको लेके चलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन पर। कॉर्पोरेट एक्शन कब कब कंपनी जो है स्टॉक स्प्लिट किया है, कब कब अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिया है, वो आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर बोनस शेयर पर क्लिक करते हैं। 2008 में दिया है बोनस शेयर, 2009 में दिया है, 2006 में, देख सकते हैं हाल फिलहाल के समय में सारे के सारे बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये भी जबरदस्त कंपनी है जो कि रेगुलर इंटरवल पर अपने इन्वेस्टर को बोनस शेयर देता है और जबरदस्त का डिविडेंड देता है। डिविडेंड भी काफ़ी ज़बरदस्त है जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके डिविडेंड पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 2020 में देख सकते हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार डिविडेंड पे किया है। 2020 में पांच बार अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड पे किया है। तो इतना ज़बरदस्त कंपनी है डिविडेंड देने में और बोनस शेयर देने में। ऐसी कंपनियों में आप जरूर इन्वेस्ट करें, जब भी आपको नीचे के प्राइस मिलता है तो आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा कि बोनस शेयर देने वाली कौन सी कंपनियां सबसे बेहतरीन है। तो आईटी सेक्टर की कई सारी कंपनियां जो ज़बरदस्त बोनस शेयर देती है, साथ ही साथ उसके साथ आपको हमने बताया जो आपको कैस्ट्रॉल इंडिया है, रिलैक्सो फुटवेयर है, ये सारी कंपनियां ज़बरदस्त बोनस शेयर देने वाली हैं। मदरसन सुम्मी हो गया, डाबर हो गया, रामको सीमेंट हो गया, सिप्ला हो गया। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।